गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम अपन ने देखा था इफेक्ट ऑफ इंजन वेरिएबल्स जो कि नॉकिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। कौन सा ऐसे फैक्टर्स है जो कि नॉकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो फैक्टर्स अपन ने लास्ट क्लास में देख लिए थे। आज अपन देखेंगे अपना जो लास्ट टॉपिक है कंप्रेशन चैम्बर डिजाइन फॉर एसआई इंजन। अब ये जो एसआई इंजन है इसका जो कंप्रेशन चैम्बर है उसका डिज़ाइन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, जो कि अपने इंजन की परफॉर्मेंस को और इंजन के डिटोनेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि कंप्रेशन चैम्बर का शेप यहाँ पे कैसा होगा, अपना जो स्पार्क प्लग है उसकी लोकेशन क्या होगी, जो इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल है उसकी पोजिशन क्या होगी, ये सब अपने को यहाँ पे डिसाइड करना होता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अभी भी कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, कंटिन्यूसली इस पर रिसर्च जो है वो अभी भी चालू है। इस रिसर्च की वजह से, इस कंटिन्यूस डेवलपमेंट की वजह से ही अपन क्या कर पाए, अपन अपना जो कॉम्प्रेशन रेशियो होता है इंजन का वो अपन ने इंक्रीज किया हुआ है। अगर अपन बात करें जब एकदम स्टार्टिंग में जब अपने इंजन का डेवलपमेंट चालू हुआ था तो एकदम स्टार्टिंग के टाइम में अपना कॉम्प्रेशन रेशियो होता था जनरली 4 के आसपास, 3, 4, 5 इस टाइप के कॉम्प्रेशन रेशियो अपने को ऐसे इंजन में मिलते थे। लेकिन आज जो है, आज अपनी लिमिट है 11, 12 की। तो वो कैसे हुआ है, वो अपन ने इंजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, उस वजह से ये अपने को मिल पाया है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंबशन चैम्बर की, ऐसा इंजन की कंबशन चैम्बर की, सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये होता है कि नहीं यार, उसने अपने को एक हाई पावर आउटपुट अपने को वहाँ पे मिलना चाहिए। सेकेंड होता है कि जो अपनी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी अपने को काफ़ी अच्छी मिलनी चाहिए, साथ में जो इंजन का ऑपरेशन है वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। तो ये तीन बेसिक पॉइंट होते हैं जो अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी कंबशन चैम्बर डिज़ाइन में। एक तो हाई पावर आउटपुट, सेकेंड हाई थर्मल एफिशिएंसी एंड थर्ड स्मूथ इंजन ऑपरेशन। तो इसके लिए जो है अपन ने क्या किया, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स बना लिया कि ऐसा इंजन का जो कंबशन चैम्बर है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए या फिर उसके रिक्वायरमेंट्स जो है वो कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है अपने ऐसा इंजन की कंबशन चैम्बर में वो है अपने पास स्मूथ इंजन ऑपरेशन, यानी कि अपने अपना जो इंजन का डिज़ाइन है वो इस टाइप से होना चाहिए कि अपने को इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से मिल जाए, साथ में जो भी ऑपरेशन है अपने इंजन का वो एकदम स्मूथली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, एकदम से कहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, एकदम से कहीं कम हो गया, कहीं पे अपना डिटोनेशन चालू हो गया, इस टाइप की चीज़ें अपनी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जो प्रेशर चेंजेस हैं वो प्रेशर चेंजेस को अपन रेगुलेट कर सकते हैं उसको मॉडरेट अमाउंट से, यानी कि एक मॉडरेट रेट ऑफ प्रेशर चेंज अपना अपने पास होना चाहिए। यानी कि जो रेट ऑफ प्रेशराइज है, जो रेट ऑफ प्रेशर चेंज अपने को मिलने वाला है उसको अपन इस तरह से रेगुलेट करें, इस तरह से कंट्रोल करें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जो पिस्टन के ऊपर अप्लाई होगी वो अप्लाई होनी चाहिए एज क्लोजली एज पॉसिबल आफ्टर टीडीसी। अपने को पता है कि पीक प्रेशर जो है वो टीडीसी पे तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपना इंस्टेंटेनियस कंबशन तो होने वाला है, अपना कंबशन जो है वो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव मैटर है। तो जब पिस्टन टीडीसी के बाद टीडीसी से मूव हो जाता है उसके बाद अपने को किसी पॉइंट पे पीक प्रेशर मिलता है, तो अपनी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो पीक प्रेशर अपने को मिला है वो जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज मिल जाए आफ्टर टीडीसी। और जो पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से चेंज हो गया। साल पहले 10 न्यूटन लग रहा था, एकदम से तुमने 50 न्यूटन का लगा दिया, अपने इंजन का स्ट्रक्चर वहाँ पे डैमेज हो जाएगा, अपनी जो फंक्शनिंग है वो एकदम स्मूथ नहीं हो पाएगी। तो जो भी फोर्सेस अप्लाई हो, फोर्सेस जो है वो स्मूथली अप्लाई होनी चाहिए, जो प्रेशर चेंज है वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म होना चाहिए एक मॉडरेट अमाउंट से, और पीक प्रेशर की पोजिशन कहाँ पे होनी चाहिए एज क्लोजली एज पॉसिबल आफ्टर टीडीसी। सेकेंड चीज जो तुम कर सकते हो स्मूथ इंजन ऑपरेशन के लिए, वो कर सकते हैं कि जो डिटोनेशन की टेंडेंसी है, जो नॉकिंग की टेंडेंसी है उसको रिड्यूस किया जाए। अब उसमें रिडक्शन कैसे पॉसिबल है, एक चीज यहाँ पे पॉसिबल है कि जो फ्लेम का ट्रेवल है, जो डिस्टेंस है जो कि फ्लेम को ट्रेवल करना है वो अपन कम कर दें। वो कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, जो अपना स्पार्क प्लग है उसको अपन सेंटर पोजिशन पे लगा के चलते हैं।
उसको अपन कहाँ पे प्लेस कर देते हैं, सेंटर पोजीशन के ऊपर। सेंटर पोजीशन के ऊपर जैसे ही अपन ने प्लेस किया तो उसके लिए सभी डायरेक्शन में ट्रेवल जो है वो सेम डिस्टेंस का हो जाएगा। सेम डिस्टेंस का हो गया यानी कि अपना जो फ्लेम ट्रेवल का डिस्टेंस है वो वहां पे काफी ज्यादा कम हो जाता है। काफी ज्यादा कम हो गया तो वो कम टाइम पे वहां पे पहुंच पाएगा, अपनी फ्लेम की स्पीड ज्यादा होगी, कम टाइम में अपना कंबशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो वर्किंग फ्लूइड है उसको ऑटो इग्निशन का चांस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सेकेंड चीज जो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, अपने पास दो हॉटस्पॉट है कंबशन चैम्बर के अंदर, एक है अपने पास स्पार्क प्लग जहां से अपना स्पार्क जनरेट होता है, जहां से अपना कंबशन चालू होता है, और एक है अपने पास एग्जॉस्ट वाल्व। ये दो ऐसी पोजीशन है जो कि काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर बियर करती है, और इसके आसपास का फ्यूल जो है जो एग्जॉस्ट वाल्व के आसपास है इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑटो इग्निशन के, तो इसको अपन कूल कर सकते हैं। तो अपने को एक कूलिंग सिस्टम यहाँ पे लगाना पड़ता है जो कि एफिशिएंट कूलिंग यहाँ पे दे सके, और जो भी अपने को साइकिल के दौरान जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल कर पाए। दूसरी चीज अपन कर सकते हैं कि जो अपना वर्किंग फ्लूइड का लास्ट पोर्शन है जिसका ऑटो इग्निशन हो रहा है उसके टेम्परेचर को कम कर। अब उसके टेम्परेचर को कम करना है तो कुछ अपन इस तरह का चैम्बर बनाए, यानी हीट ट्रांसफर जो हो रहा है कंबशन चैम्बर वॉल्स में, या तो तुम उसको कम कर दो कि कंबशन चैम्बर वॉल के पास में जो पार्टिकल है वो ऑटो उसमें ऑटो इग्निशन के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, तो उसको अपन कम कर सकते हैं उस टेम्परेचर को, ताकि ऑटो इग्निशन जो है जितना हो सके वहां पे अवॉइड हो सके। तो ये कुछ मेथड है जिससे कि अपन नॉकिंग की पॉसिबिलिटी को कम कर सकते। तो ये पहला रिक्वायरमेंट है कंबशन चैम्बर का जो कि होता है अपना स्मूथ इंजन ऑपरेशन। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है अपनी हाई पावर आउटपुट एंड थर्मल एफिशिएंसी। जो भी अपन डिजाइन बनाए, जो भी अपन डेवलपमेंट करे, वो इस टाइप से करे कि अपने को पावर आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले, साथ में अपनी एफिशिएंसी भी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर आउटपुट बहुत ज्यादा है, एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है। ऐसा होगा तो कोई कस्टमर आके अपना व्हीकल परचेस ही नहीं करेगा, वो बोलेगा साला एवरेज तो है नहीं, एवरेज है नहीं तो लेके मैं क्या करूँ इसको। तो अपने को पावर आउटपुट भी ज्यादा चाहिए और एफिशिएंसी भी ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए एक चीज हो सकती है कि तुम टर्बुलेंस को जो है, हाई डिग्री ऑफ टर्बुलेंस को जो है उसको इंट्रोड्यूस करो। तो टर्बुलेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए या तो अपन इनलेट का जो इनलेट पोर्ट है, इनलेट वॉल्व है, उसके डिजाइन में चेंजेस कर सकते हैं, या फिर जो अपने पिस्टन का टॉप सरफेस है वहां पे अपन चेंजेस ला सकते हैं। टर्बुलेंस को इंड्यूस किया तो क्या होगा, जो इंटरमिक्सिंग है अनबर्न पार्टिकल्स की, बर्न पार्टिकल्स की, वो काफी अच्छे से होगी, हीट ट्रांसफर काफी अच्छे से हो जाएगा, अपना फ्लेम का स्पीड जो है वो वहां पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे एक फ्लूइड टाइप का मोशन होता है जिसको अपन कहते हैं स्क्विश टाइप ऑफ मोशन। स्क्विश यानी कि ये गैस का मोशन होता है बेसिकली, और ये रेडियल टाइप ऑफ मोशन होता है जो अपन टर्बुलेंस में बात कर रहे थे। एक डिजाइन तुम्हें बताया था जिसमें रेडियल टाइप ऑफ मोशन जो है वो दोनों साइड से पॉसिबल हो, तो इस टाइप के मोशन को अपन कहते हैं स्क्विश टाइप ऑफ मोशन, जो कि पिस्टन एंड सिलेंडर के बीच में होता है, और इसको अपन इंड्यूस कर सकते हैं ऐसे इंजन में। अपन डोम शेप का सिलेंडर हेड यूज कर सकते हैं, या फिर एक बॉल शेप का पिस्टन जो है उसका यूज यहाँ पे किया जा सकता है। सेकेंड चीज हो सकती है तुम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ा दो। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है अपन ऑलरेडी पहली यूनिट में देख चुके हैं। हालांकि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि सक्शन के टाइम पे जितना हो सके उतना चार्ज अपन यहाँ पे इंड्यूस करें, जिससे कि अपने को एक इंक्रीज पावर आउटपुट यहाँ मिल सके, साथ में एक एम्पल क्लियरेंस यहाँ पे दे, जो वॉल्स है उनके डायमीटर को अपन इंक्रीज कर दे, जो पैसेज है उनको स्ट्रेट बनाए, वहां पे कोई टर्न नहीं होना चाहिए, कोई ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो इनलेट प्रेशर आ रहा है वो अपना कम ना हो पाए। ये चीजें अपन कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए। फिर जो एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसको अपन इंप्रूव कर सकते हैं। उसको इंप्रूव करने के लिए अपने कंबशन चैम्बर का डिजाइन इस टाइप से होना चाहिए कि अपने को हायर कंप्रेशन रेशियो मिल पाए, हायर आउटपुट मिले, हाई एफिशिएंसी मिले, लेकिन टेम्परेचर को अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो अपना अनबर्न पार्टिकल है वो ऑटो इग्नाइट ना हो जाए।
अगर तुम कॉम्पैक्ट चैम्बर बनाते हो, कॉम्पैक्ट चैम्बर अगर बनाते तो जो हीट लॉसेस है कम्बशन के दौरान वो अपने कम हो जाएंगे, अपनी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, जो फ्लेम का ट्रेवल है डिस्टेंस वो अपना कम हो जाएगा, तो नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कि अपने कम्बशन चैम्बर में होनी चाहिए। अब इसके ऊपर जो है अपन ने काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्बशन चैम्बर्स जो है वो अपन ने डेवलप की है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टार्टिंग में कुछ अलग टाइप के कम्बशन चैम्बर्स थे, फिर उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसमें कुछ चेंजेस किए, फिर अभी कुछ और डिज़ाइन के कम्बशन चैम्बर्स चल रहे। तो बेसिकली अपना डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने इसमें हो चुका है। अगर अपन कॉमनली टाइप ऑफ कुछ कॉमन टाइप ऑफ कम्बशन चैम्बर्स की बात करें तो जो कॉमनली यूज होते हैं वो होते हैं अपने पास टी हेड टाइप का यूज होता है, एल हेड टाइप ऑफ कम्बशन चैम्बर है, एक है अपने पास आई हेड या ओवर हेड वॉल टाइप, और एक है अपने पास एफ हेड टाइप। एफ हेड वाला जो है वो अभी काफी ज्यादा फिलहाल यूज हो रहा है। अगर अपन टी हेड टाइप की बात करें तो टी हेड जो है वो एकदम अर्ली स्टेजेस ऑफ इंजन डेवलपमेंट में अपन ने डेवलप किया था, ये होता है अपने पास टी हेड टाइप ऑफ कम्बशन चैम्बर। अगर टी हेड टाइप ऑफ कम्बशन चैम्बर देखोगे तो यहाँ पे एक साइड पे अपना इनलेट वॉल लगा हुआ है, एक साइड पे अपने पास क्या है एग्जॉस्ट वॉल प्लेस है, एक तरफ अपना जो है ये अपना स्पार्क प्लग का पोजीशन है जो कि फिलहाल सेंटर में नहीं है, ये एकदम स्टार्टिंग स्टेजेस में डेवलप किया गया था। तो उस टाइम जो कम्बशन चैम्बर बना था वो इस टाइप से ही बना था। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कम्बशन चैम्बर के बीच का डिस्टेंस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा हो गया, फ्लेम ट्रेवल का डिस्टेंस यहाँ पे काफी ज्यादा हो गया, तो इस वजह से नॉकिंग की जो टेंडेंसी है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। अब नॉकिंग की यहाँ पे टेंडेंसी काफी ज्यादा है तो इसलिए इसको यूज करना फिलहाल अपने लिए सुटेबल नहीं है, कि अपने को ऐसा चाहिए जहाँ पे नॉकिंग ना हो, जहाँ पे नॉकिंग जो है वो कम से कम हो, ऐसा अपने को कम्बशन चैम्बर का डिजाइन चाहिए। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे नॉकिंग की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है इसलिए अपन इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाए। साथ में एक और दिक्कत है, वॉल्स जो है वो सिलेंडर के दोनों साइड में, अब दोनों साइड में तो उनको ऑपरेट करने के लिए अपने को दो डिफरेंट कैमशाफ्ट चाहिए, दो डिफरेंट मैकेनिज्म चाहिए, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि नहीं यार दो दो सिस्टम बना वॉल्स को ऑपरेट करने के लिए, तो इस वजह से भी अपन इसको प्रेफर नहीं कर पाए। तो ये जो टी हेड टाइप वाला था ये अपने एकदम जो स्टार्टिंग स्टेजेस थी जो इंजन में ना बस डेवलपमेंट चालू हुआ था, जो अपन ने जस्ट इंजन को बनाया था उस टाइम में जो है ये काफी ज्यादा यूटिलाइज हो रहा था, फिलहाल की डेट में अपन इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहे। सेकेंड टाइप है अपने पास एल हेड टाइप। एल हेड बेसिकली जो है वो टी हेड का मॉडिफिकेशन है। अब इसमें क्या किया, जो दोनों वॉल्स थे जो दो सेपरेट साइड में थे पहले सिलेंडर के, उसको अपन ने सेम साइड में लेके आ गए, तो सेम साइड में लेके आ गए तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, आपने को एक ही मैकेनिज्म यहाँ पे देना पड़ा, एक ही कैमशाफ्ट यहाँ पे लगा दिया, उससे दोनों वॉल्स जो है वो अपने ऑपरेट हो जाते हैं। साथ में इसको लुब्रिकेशन वगैरह करना काफी आसान है, प्लस इसका जो सिलेंडर हेड है वो डिटैचेबल टाइप का होता है, सिर्फ अपन उसको डिटैच करके बिना वॉल्स को डिस्टर्ब किए, जो वॉल की पोजिशन है उसको डिस्टर्ब किए बगैर, यहाँ पे वॉल्स है, इन वॉल्स को डिस्टर्ब किए बगैर अपन सिलेंडर हेड को डिटैच कर सकते हैं, अपने को जो भी यहाँ पे काम करना हो वो कर सकते हैं, वॉल की पोजीशन बिल्कुल भी अपने को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वॉल की जो पोजीशन है उसकी वजह से एक दिक्कत है, जैसे इनलेट वॉल की बात करें तो इनलेट वॉल से अपना सक्शन जब होगा तो सक्शन के टाइम पे सबसे पहले एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर ने एक टर्न लिया यहाँ पे 90 का, फिर यहाँ आने के बाद वापस से ये एक टर्न लेते हैं, तो ये दो टर्न की वजह से क्या हो जाता है ना, जो अपनी वेलोसिटी होती है या फिर जो अपना टर्बुलेंस है यहाँ पे उसमें काफी ज्यादा लॉस अपने को देखने को मिलता है। फिर इसमें एक और मॉडिफिकेशन जो है वो किया गया था, वो मॉडिफिकेशन जो है वो टर्बुलेंस को इंड्यूस करने के लिए किया गया था। इस टाइप से हेड का जो डिजाइन है वो चेंज किया गया, तो इस डिजाइन की हेल्प से क्या हुआ कि जो अपनी फ्लेम की स्पीड थी और स्पार्क प्लग की पोजीशन अपन ने यहाँ पे कर दी थी, तो इससे क्या हुआ जो अपनी फ्लेम की स्पीड थी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, जो टर्बुलेंस था वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, इस टाइप के शेप की वजह से टर्बुलेंस यहाँ पे इंक्रीज हो गया,
तो अपनी जो नॉकिंग की टेंडेंसी थी वो यहाँ पे कम हो गई। तो जो मेन बॉडी है कंबशन चैम्बर की, वो पूरी तरह से कंसंट्रेटेड हो गई थी वॉल्स के आसपास, वॉल्स के आसपास, और बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड पैसेज जो है वो सिलेंडर के साथ दिया जाने लगा था। तो एडिशनल टर्बुलेंस जो है वो भी अपने को मिल जाता था यहाँ पे कॉम्प्रेशन के टाइम में, और साथ ही क्योंकि फ्लेम ट्रेवल की लेंथ यहाँ पे कम हो गई, मैक्सिमम फ्यूल जो है वो अपना एसी पोर्शन में था, फ्लेम ट्रेवल की लेंथ यहाँ पे कम हो गई, एक तरह से अपन ने थोड़ा सेंटर पोजिशन पे इसको लगा दिया था, तो अपनी नॉकिंग टेंडेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो ये एक डेवलपमेंट था जो कि किया गया था इसमें। फिर उसके बाद एक और नए टाइप का कंबशन चैम्बर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको अपन कहते हैं आई हेड या ओवर हेड टाइप, जो कि फिलहाल भी प्रेजेंट टाइम में भी यूज हो रहा है। इसको अपन कह सकते हैं या तो आई हेड टाइप या फिर ओवर हेड वॉल्व कंबशन चैम्बर। यहाँ पे दोनों वॉल्व कहाँ पे अपने सिलेंडर हेड के ऊपर प्लेस है। अब ओवर हेड वॉल्व जो है वो अपने टी हेड या फिर एल हेड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पे अपने को काफ़ी अच्छा कॉम्प्रेशन रेशियो जो है वो देखने को मिला, काफ़ी अच्छा कॉम्प्रेशन रेशियो जो है वो देखने को अपने को मिला था। यहाँ पे हीट लॉसेस अपने को कम देखने को मिले, फ्लेम ट्रेवल जो है वो यहाँ पे कम हो गया, फ्लेम ट्रेवल का डिस्टेंस कम हो गया, तो जो नॉकिंग की टेंडेंसी है वो यहाँ पे बहुत कम हो गई थी। वॉल्यूमेट्री एफिशिएंसी कंपेयर टू अदर कंबशन चैम्बर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे अपने को मिल जाती है। फिर जो थर्मल फेलियर हो सकते हैं वो सिर्फ सिलेंडर के हेड में यहाँ पे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर थर्मल फेलियर्स अपने होंगे एग्जॉस्ट वॉल पे, एग्जॉस्ट वॉल ऐसा पोजीशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट है, तो यहाँ पे थर्मल फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो ये जो फेलियर है ये कहाँ पे कन्फाइन हो गया, सिर्फ अपने सिलेंडर ब्लॉक में। बाई चांस अगर फेल होता भी है तो अपन क्या करेंगे, जो अपना सिलेंडर ब्लॉक है उसको अपन चेंज कर देंगे, पूरे कंबशन चैम्बर को तुम्हें चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे पिस्टन का शेप देखो, पिस्टन का शेप जो है वो एकदम स्मूथ नहीं है जो पहले था। अगर अपन पहले देखे, पहले एकदम स्ट्रेट शेप में था, अभी ऐसा नहीं, अभी अपन ने उसको थोड़ा कर्व शेप किया, तो ये कर्व शेप की हेल्प से क्या मिला तुम्हें, एडिशनल स्क्विश एंड टर्बुलेंस मोशन जो है वो अपने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसकी वजह से और अपनी फ्लेम की स्पीड इंक्रीज होती है, अपना कंबशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेट पे हो सकता है। इसलिए ये फिलहाल की कंडीशन में अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। फिर एक और टाइप अपन ने बनाया वो है एफेट टाइप। एक और टाइप जो अपने को मिलता है वो होता है अपने पास एफेट टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर। अब एफेट जो है वो बेसिकली एल हेड और आई हेड के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज है। यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक वॉल को तो ठीक है अपन ने सिलेंडर हेड पे रहने दिया, सेकेंड वॉल को अपन ने क्या किया, सिलेंडर जो सेकेंड वॉल है उसको अपन सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लेके आए। जनरली जो एफेट अपना यूज होता है उसमें क्या होता है, जो एग्जॉस्ट वॉल है, एग्जॉस्ट वॉल अपना होता है, जो अपना एग्जॉस्ट वॉल है, एग्जॉस्ट वॉल अपना होता है हेड पोजीशन पे, और जो इनलेट वॉल है वो अपन ने लगा दिया सिलेंडर ब्लॉक पे। अब ये जो है ये बेसिकली एक कॉम्प्रोमाइज हो गया अपने एल हेड और आई हेड में, कि ठीक है अपन ने ओवरहेड पे पूरी तरह से, ओवरहेड पे भी नहीं है पूरी तरह से, साइड साइड वाले पोर्शन पे भी नहीं है, दोनों वॉल की पोजीशन जो है वो अपन ने यहाँ पे सेपरेट कर दी। तो दोनों वॉल की पोजीशन सेपरेट कर दी तो अगेन एक लिमिटेशन आ गई कि नहीं यार, दोनों के लिए अपने को डिफरेंट मैकेनिज्म चाहिए, डिफरेंट कैमशाफ्ट जो है वो यहाँ पे चाहिए। लेकिन हालांकि अपन ने यहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपन ने अभी भी इम्प्रूव कर दी, अपने को यहाँ पे भी फ्लूइड मोशन काफ़ी अच्छा मिल पा रहा है, जो लॉस ऑफ वेलोसिटी हेड था वो थोड़ा सा अपन ने यहाँ पे कम कर दिया, एकदम से शार्प टर्न अपन यहाँ पे नहीं दे रहे, तो जो लॉस ऑफ वेलोसिटी हेड था, लॉस ऑफ टर्बुलेंस था, वो यहाँ पे थोड़ा सा कम जो है हो जाता है। ये अपने कुछ कॉमनली टाइप ऑफ कॉमन टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर है जो अपन यहाँ पे यूज किए हुए हैं। फिर कुछ मॉडर्न टाइप पे आते हैं, 1950s 1960s, उस टाइम पे अपना ओवरहेड टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, जहाँ पे अपने एग्जॉस्ट और इंजेक्ट दोनों कहाँ पे, सिलेंडर हेड में है, ठीक है।
अब इस टाइप के कॉम्प्रेशन चैम्बर में तुम्हें एफिशिएंसी भी काफी अच्छी मिल रही है, स्मूथ ऑपरेशन भी मिल रहा है, हाई पावर आउटपुट भी मिल रहा है कंपेयर टू अदर डिजाइन। यानी जो भी अपने को बेनिफिट्स चाहिए थे, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी कंप्रेशन चैम्बर के हिसाब से, वो सभी रिक्वायरमेंट्स अपनी वहाँ पे फुलफिल हो रही थी। साथ ही अपनी लॉसेस वहाँ पे कम थे, नॉकिंग एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज अपनी वहाँ पे काफी अच्छी थी, फ्लेम को बहुत कम डिस्टेंस वहाँ पे ट्रेवल करना पड़ रहा था, तो बेसिकली वो काफी अच्छा था। अब ये जो ओवरहेड टाइप है, इस ओवरहेड टाइप में अपन ने दो और एडवांसमेंट जो है वो यहाँ पे किए थे। ओवरहेड के बाद एक एफहेड भी आया, लेकिन ओवरहेड में भी अपन ने दो एडवांसमेंट किए हुए हैं। एक होता है अपने पास बाथटब टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर और एक है अपने पास वेज शेप ऑफ कंबशन चैम्बर। अगर अपन बाथटब टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर देखें तो वो इस टाइप से दिखाई देता है, जहां पे अपने पास एक ओवल शेप ऑफ कंबशन चैम्बर होता है जिसके वॉल्स जो है वो माउंटेड है अपने ओवरहेड पे और स्पार्क प्लग कहाँ पे साइड में है। तो इसमें क्या होगा, वॉल्स जितने भी होंगे अगर अपन वो एक सिंगल लाइन में ऑन सिलेंडर ब्लॉक बनाने में काफी इजी हो जाता है, और जो अपने को ओवरहेड के एडवांटेजेस थे वो सभी एडवांटेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओवरहेड टाइप था जो अपन ने इनिशियली बनाया था। जो इनिशियली अपन यहाँ पे फिगर देख रहे हैं वो इसी टाइप का अपन देख रहे हैं, बाथटब टाइप। जो एडवांसमेंट एक हुआ वो हुआ था वेज फॉर्म ऑफ कंबशन चैम्बर। वेज फॉर्म में अपन ने क्या किया, वॉल्स को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे वॉल्स पूरी तरह से इनलाइन थे, सिलेंडर के साथ इनलाइन वॉल्स थे। अपन ने क्या किया, उसको थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन दे दिया। तो इससे क्या हुआ, जो वॉल का एक्चुएशन मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा अपने पास सिंपल हो गया, ठीक है, वो थोड़ा सिंपल हो गया। एयर फ्यूल रेशियो जो है उसके ऊपर हालांकि रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, लेकिन अपनी जो कंबशन स्पेस है वो यहाँ पे नैरो हो गई। कंबशन स्पेस थोड़ी सी नैरो हो गई तो अपना जो फ्लेम ट्रेवल का डिस्टेंस था वो फर्दर रिड्यूस हुआ। यहाँ पे अपन ऑलरेडी काफी रिड्यूस कर चुके थे, इसके बाद जब अपन ने इसको इंक्लिनेशन दिया उसके बाद थोड़ा और फर्दर यहाँ पे रिडक्शन जो है वो अपने को मिल गया। तो जो अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी थोड़ी बहुत वहाँ पे देखने को मिल रही थी वो भी यहाँ पे और ज्यादा कम हो गई। तो जो अपने ओवरहेड टाइप में अपने को ये दो फॉर्म्स जो है वो काफी ज्यादा यूज होते हैं, एक अपना बाथटब टाइप का और एक वेज फॉर्म ऑफ कंबशन चैम्बर। ये दो शेप्स जो है वो यूज होते हैं। फिर एक और कंबशन चैम्बर अपने पास होता है, वो होता है हेमिस्फेरिकल शेप का, हेमिस्फेरिकल कंबशन चैम्बर या फिर जिसको अपन कहते हैं HEML। ये जो कंबशन चैम्बर ये बेसिकली हाफ स्क्वेयर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे क्रॉस फ्लो डिजाइन जो है वो बनाया हुआ है जिससे कि इंजन की ब्रीथिंग एबिलिटी जो है वो अपन ने इम्प्रूव की है। ब्रीथिंग एबिलिटी इम्प्रूव की यानी बेसिकली उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को अपन ने यहाँ पे जो है इम्प्रूव कर दिया है। ये अर्ली 1900s में जो है बनाए गए थे और बहुत ज्यादा वाइडली जो है वो यूज किए गए थे। अभी जो इस शेप में अपन बनाते हैं वो पूरी तरह से हेमिस्फीयर शेप नहीं बनाते, अपन एक पार्शियल हेमिस्फीयर यहाँ पे बनाते हैं जिससे कि कुछ अमाउंट में टर्बुलेंस जो है वो अपने को यहाँ पे इंक्रीज हो सके। हेमिस्फेरिकल कंबशन चैम्बर में जो है ज्यादा पावर जनरेट हो सकती है, एयर को एकदम से राइट एंगल टर्न्स बिल्कुल नहीं लेने। जैसे यहाँ पे इंटेक वॉल है तो इंटेक वॉल पूरी तरह से स्मूथ है, कोई भी अपना राइट एंगल कोई भी 90 डिग्री का टर्न यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो जो उसको रेजिस्टेंस लग रहा था वो यहाँ पे कम हो जाता है, रेजिस्टेंस टू मोशन। फिर हालांकि एमिशंस जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो अपने नए टाइप के पार्शियल हेमिस्फेरिकल आए हुए हैं उनमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम का जो रेशियो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जितने भी दूसरे डिजाइन थे अपने पास, वेज शेप हो गया, फ्लैट हेड, एफ हेड हो गया या फिर टी हेड हो गया उसके कंपेरिजन में। तो अपनी थर्मल एफिशिएंसी जो है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, और वॉल्स की पोजिशन इस टाइप से कि उसको अपन ने क्रॉस वाइज प्लेस किया हुआ है। अब ये जो क्रॉस वाइज प्लेसमेंट है, अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन हो गया है कि नहीं, अपन या तो दोनों को सेपरेट मैकेनिज्म दे सकते हैं या फिर दोनों को एक कंबाइंड मैकेनिज्म जो है उस टाइप से भी अपन डिजाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज मिला अपने को वॉल्यूमेट्रिक और थर्मल एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पे काफी अच्छे मिल रही है, जो इंटेक एयर आता है, इंटेक फ्लूइड जो आता है उसके ऊपर रेजिस्टेंस अपना काफी कम हो जाता है, तो
डेंसिटी ऑफ सक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तो अपने को वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी काफी अच्छी मिल गई, साथ में फ्लेम का ट्रेवल अपन ने काफी ज्यादा कम कर दिया है, तो अपनी थर्मल एफिशिएंसी जो है वो भी यहाँ पे काफी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर डिजाइन। तो ये अपने कम्बशन चैम्बर्स के डिजाइन होते हैं जो कॉमनली यूज कम्बशन चैम्बर डिजाइन है, जो कि सबसे ज्यादा कॉमनली फिलहाल यूज होते हैं। इसके अलावा और भी डिजाइन है, कुछ मॉडर्न डिजाइन है जो सी आई और एस आई दोनों टाइप के इंजिन के लिए अपन यूटिलाइज कर सकते हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट यूनिट में, जो कि अपना कंबशन सी आई इंजन। यहाँ पे अपना सेकेंड यूनिट जो है वो खत्म होता है।